सोलन के अपना घर भवन के सभागार में वैदिक वादियों और वैदिक शैली के तालों पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया। हिमाचल भाषा एवं संस्कृति एकेडमी के सौजन्य से सरगम कला मंच नौणी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जिला सोलन के करीब 20 कलाकारों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत के बहुमूल्य संस्कृति को संरक्षण देना है। कार्यक्रम के दौरान भारतीय सभ्यता की संस्कृति से उत्पन्न होने वाले 16 संस्कार गीतों का प्रदर्शन भी किया गया, जिसका वैदिक वाद्य यंत्रों में रुचि रखने वाले दर्शकों ने जमकर लुत्फ भी उठाया। इस मौके पर एकेडमी के सचिव डॉक्टर करम सिंह ने बताया कि आज के समय में पाश्चात्य संस्कृति युवाओं पर हावी होती जा रही है। यही वजह है कि भारतीय संस्कृति लुप्त होती नजर आ रही है, जिसका संरक्षण प्रदान करने के लिए हिमाचल भाषा कला व संस्कृति एकेडमी द्वारा प्रदेश के विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोलन की सरगम कला मंच नौणी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। सोलन में पारंपरिक संस्कार गीतों की प्रस्तुति का एक भव्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। अभी हाल ही में यूनेस्को का एक सर्वे रिपोर्ट आई है, जिसमें विश्व में भारत में कुछ समाप्त हो रही भाषाओं के प्रति चिंता जाहिर की गई है। हिमाचल प्रदेश की भी कुछ बोलियों पर उसमें ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसमें सोलन की बघाटी, किन्नौरी और हिंदूरी आदि बोलियां शामिल हैं। अब सरकार की ओर से विजन डॉक्यूमेंट में भी ये संकल्प किया गया है और अकादमी की ओर से भी ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो प्रदेश की हमारी पारंपरिक संस्कृति है, भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनको संस्कार गीतों के माध्यम से, लोकगीतों के माध्यम से और जो हमारी अन्य विभिन्न परंपराएं हैं उनके माध्यम से उनका डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, उनको सुरक्षित किया जाए, ताकि जो इसमें अमूल्य धरोहर हमारी छिपी पड़ी है वो अगली पीढ़ी तक भी जाए।